हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोल्डर के आइकन को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई इमेज लगानी हो तो आप कैसे उसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं हूं सुनील रावत और आप देख रहे हैं ट्रेजर टुडे चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको अपने फोल्डर पर कोई आइकन लगाना है या फिर रिमूव करना है या फिर चेंज करना है तो आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने फोल्डर पर एज ए आइकन कोई इमेज लगानी है तो आप किस तरीके से उसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डू एंड डोंट्स के बारे में भी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने फोल्डर पर कोई आइकन लगाना है या फिर चेंज करना है या फिर रिमूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोल्डर पर जाना होगा। मीन्स जहाँ भी आपका फोल्डर है, जहाँ भी आप आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहाँ जाना होगा। तो चलिए हम जाते हैं अपने फिलहाल डेस्कटॉप पर। सो जाते हैं डेस्कटॉप पर। इस तरीके से हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको फोल्डर दिख रहा है ट्रेजर टुडे के नाम से और इसमें आपको दिख रही है इमेज। सो फिलहाल हमने इस फोल्डर पे इमेज यूज़ करी हुई है जो कि इमेज है हल्की। तो चलिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए, हमने फोल्डर यहाँ पर ओपन करा और इसके अंदर और फोल्डर भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फोल्डर आइकन का एक फोल्डर है जिसमें आपको ये डिफरेंट आइकन दिख रहा है। उसके बाद एक फोल्डर आइकन वन का फोल्डर है जिसमें आपको एक डिफरेंट आइकन दिख रहा है। और फिलहाल हमने दो ब्लैंक फोल्डर लिए हुए हैं और उसके अलावा एक और फोल्डर है जिसमें हमने इमेज को यूज़ किया हुआ है एज ए आइकन। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आप किस तरीके से अपने फोल्डर पर आइकन को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप जिस भी फोल्डर पर अपने आइकन को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपना कर्सर रखना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर Shift F10 भी आप प्रेस करेंगे तो सेम विंडो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। तो प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके फोल्डर का नाम प्लस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हाउ टू चेंज आइकन और उसके साथ प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका फोल्डर का नाम है प्लस यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ आ रहा है और इसके अंदर आपको सेवरल टैब्स मिल रहे हैं। पहला जर्नल का, दूसरा शेयरिंग का, तीसरा सिक्योरिटी का और फोर्थ है प्रीवियस वर्जन्स का और फिफ्थ है यहाँ पर कस्टमाइज़ का। सो कस्टमाइज़ पे हमें क्लिक करना है और सबसे बॉटम में जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलता है चेंज आइकन। सो चेंज आइकन पे हमें क्लिक करना है। चेंज आइकन पे हमने क्लिक कर दिया और इस तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये मल्टीपल जो है आइकन यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। जिस तरीके का भी आइकन आपको अच्छा लगे आप यहां से अपने आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत प्रकार के आइकन यहां पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जो भी आइकन आप लेना चाहें आप सिंपली यहां से ले सकते हैं। लेट्स से हमें ये आइकन यहां पर यूज़ करना है, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं यहां पर और यहां पर अप्लाई कर दीजिए और दोबारा ओके पे क्लिक कर दीजिए। सो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहां पर आपके फोल्डर का आइकन जो है अब चेंज हो चुका है। इस तरीके का आइकन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर आइकन रिमूव करना हो तो आप किस तरीके से अपने आइकन को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से हमें ये आइकन यहाँ पर रिमूव करना है और रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको कस्टमाइज़ पे जाना है और यहाँ पर जाएंगे चेंज आइकन पे। चेंज आइकन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पे। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली अप्लाई और ओके। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं सेकंड नंबर का जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर से हमने यहाँ पर जो आइकन लगाया हुआ था वो आइकन फ़िलहाल हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। सो अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज करने का सेम प्रोसेस है जैसे आपने लगाया था, उस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर रिमूव करना हो आपको अपना आइकन, सो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि अगर आपको अपने फोल्डर पर कोई इमेज एज ए आइकन लगानी है तो आपको वो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक इमेज अपनी सिलेक्ट करनी होगी, जिस भी इमेज को आप यूज़ करना चाहते हैं एज ए आइकन। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एडवांस में बताना चाहूँगा
कि जो भी इमेज आप यहाँ पर यूज़ करें उस इमेज का बैकग्राउंड वाइट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपकी इमेज का बैकग्राउंड वाइट होता है तो यहाँ पर आपकी जो डिस्प्ले होगी आइकन को वो डिस्प्ले अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो प्लीज़ ट्राई करें कि आपके इमेज का बैकग्राउंड वाइट ना हो। तो चलिए अब चलते हैं इमेज पर, जो इमेज हमें अपने फोल्डर पे लगानी है एज ए आइकन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने एक इमेज के नाम से फोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रही हैं दो इमेज इसके अंदर, एक है हल्की और दूसरी है विराट कोहली की। चलिए इसका जो पाथ है हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने, राइट क्लिक करते हैं या फिर कंट्रोल सी कर दीजिए, कॉपी कर लिया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है MS Paint। MS Paint लिख के आपको एंटर करना है। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं MS Paint यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको जाना है फाइल पे या फिर आपको यूज़ करना है Ctrl+O। तो यहाँ पर सिंपली ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद यहाँ पर अपना पाथ डाल दीजिए। पाथ हमने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर इमेज अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। इमेज हमने सिलेक्ट कर ली जो इमेज हमें एज ए आइकन वहाँ पर फोल्डर में लगानी है। सिंपली इसे ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ओपन हमने कर दिया और इस तरीके से आप देख रहे हैं इमेज हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl+W। Ctrl+W प्रेस करें या फिर जाएं रिसाइज पे। आपको सिंपली यहाँ पर Ctrl+W इस तरीके से हमने प्रेस करा या फिर रिसाइज पे क्लिक करिए। विंडो इस तरीके से हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और यहाँ पर आपको रिसाइज में मिल रहा है परसेंटेज एंड पिक्सल्स का ऑप्शन। सो पिक्सल्स पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर डिफरेंट आपको जो है साइज मिलेंगे। मीन 16x16, 32x32, 48x48 और 64x64। सो आपको बताना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो एडवाइजेबल है अगर आप अपना कोई इमेज एज आइकन यूज़ करना चाहते हैं। सो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एडवाइजेबल है कि उसका जो आपको साइज रखना है 256x256 पिक्सल्स का आपको रखना होगा। वो आपके लिए डिस्प्ले के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम यहाँ पर 256 टाइप करते हैं। जब हम यहाँ पर 256 टाइप करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर का नंबर 256 नहीं आया, उसने ऑटोमेटिकली एक दूसरा नंबर दे दिया है। सो आपको यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 256 डाल देना है। 256 आपने यहाँ पर एंटर कर दिया और सिंपली यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखिए आपका इमेज थी उसका साइज कम हो चुका है। चलिए अब इस इमेज को आपने सेव एज करके सेव कर लेना है। तो हम जाएंगे फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है सेव एज टाइप का ध्यान रखिएगा। सेव एज टाइप आपका 24 bit bitmap का होना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा ऑलरेडी। और यहाँ पर अपना फाइल नेम के बाद आपको अपना .ico जो कि आइकन के लिए यूज़ होता है, अपने फाइल नेम के बाद .ico जरूर लगाना है और सेव एज टाइप में आपको 24 bit bitmap को यूज़ करना है। सो इन दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंपली ओके कर दीजिए। ओके हमने कर दिया और इसको फ़िलहाल मिनिमाइज़ करते हैं और डेस्कटॉप पर चलते हैं। सो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली की इमेज एज आइकन यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। सो सिंपली हम जाते हैं अपने फोल्डर पर जहाँ पर हमें फोल्डर पे एज ए आइकन इस इमेज को लगाना है। चलिए हम जाते हैं यहाँ पर ट्रेजर टुडे पे। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फोल्डर हमारा फिलहाल ब्लैंक है और लेट से हमें यहाँ पर उस इमेज को एज ए आइकन लगाना है। सो आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज़ में जाने के बाद चेंज आइकन पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ब्राउज़ का। ब्राउज़ पे हम आ गए और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विराट कोहली की इमेज यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। हमें ओपन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, दोबारा ओके करिए, अप्लाई करिए और ओके कर दीजिए। सो इस तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी इमेज जो थी विराट कोहली की एज ए आइकन अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एडवांस चीज़ और बता देता हूँ जो आपको नहीं पता होगी या फिर आपको अदर वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। सो अगर आप इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, मींस जहाँ भी आपने इस इमेज को सेव किया है और इसे आप वहाँ से डिलीट कर देते हैं तो देखिए वहाँ पर इस समय फिर होता क्या है। सो लेट्स से यहाँ पर जो इमेज है इस इमेज को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया और इसे रिफ्रेश कर दिया हमने। अब जाके देखते हैं अपने फोल्डर में
कि वो इमेज वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं एज ए आइकन। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फोटो फिलहाल अभी अवेलेबल है। जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ये फोटो यहाँ से रिमूव हो जाएगी इस फोल्डर की जो हमने एज ए आइकन यहाँ पर यूज़ करी थी। चलिए रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश किया और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फोल्डर से हमारी जो इमेज है वो गायब हो चुकी है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इमेज एज ए आइकन लगाना चाहते हैं उस इमेज को कहीं पर सेव करके रखें, उसे डिलीट ना करें। या फिर लेट से अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं तो दोबारा उसे कैसे रीयूज़ में ला सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पर इमेज जो हमने एमएस पेंट खुला हुआ था सिंपली इस इमेज को दोबारा सेव कर देते हैं सेव एज से। F12 प्रेस करते हैं और F12 प्रेस करने के बाद आपको सेव एज टाइप अपना 24-bit बिटमैप को यूज़ करना है और फाइल नेम के बाद आपको .ico लगाना है और जहाँ भी आपको अपनी लोकेशन देनी हो वहाँ पर लोकेशन आप दे सकते हैं। फिलहाल हम इसे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट जो है अपना सेव कर रहे हैं। सेव पे ओके कर दीजिए। ओके हमने कर दिया। अब देखिए फाइल हमारी यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ विराट कोहली की इमेज दोबारा आ चुकी है और इसे सिंपली रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद जाते हैं दोबारा फोल्डर पे। फोल्डर पे हम आ गए और इस तरीके से फिलहाल आपको दिख रहा है अभी यहाँ पर जो इमेज है वो अवेलेबल नहीं हुई है। सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए और इसे रिफ्रेश कर दीजिए। सो रिफ्रेश करते ही आपकी जो फोल्डर पे आइकन आपने एज ए इमेज यूज़ किया था वो वापस आ चुका है। सो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से यहाँ पर फोल्डर में इमेज को एज ए आइकन यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप अपने फोल्डर पर आइकन को यूज़ कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं और आइकन डिलीट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि अगर आपको अपने फोल्डर पे कोई इमेज एज आइकन यूज़ करनी हो तो किस तरीके से आप उस इमेज को एज आइकन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके डू एंड डोंट्स के बारे में भी। जी हाँ, डू एंड डोंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है और क्या आपको अपनी इमेज या फिर आइकन का साइज रखना चाहिए वो भी हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे MS Excel की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।